पिछले क्लास में जो पढ़े थे प्लेट प्लेट समझ में आ रही, प्लेट वाला क्वेश्चन बोलो रे। हाँ सर, गॉस लॉ के करे थे आगे के। हाँ कर लिए हो गया सर, अभी डाउट नहीं है। हाँ है दादा, 24 का 24 खत्म हो गया। सर, अरे वाह, तब फिर खत्म हो गया इस गॉस लॉ। और उसका डीसीटी हाँ सर, DCT 2 हो गया, 3 अभी नहीं देखा थ्री काय का है? सर। 3 उसमें पोटेंशियल का एक आधी क्वेश्चन ऊपर देखे थे सर। अच्छा, पोटेंशियल पोटेंशियल है ना। चलो ठीक है, सर और किसी को होगा SC वर्मा में तो डाउट? हाँ बस अभी 5 मिनट में सवाल तो जाए, अभी आ ही रहे धीरे धीरे। ये वेटिंग रूम पता नहीं कहाँ से ऑन हो गया है। ठीक है चलो, तो देखो, अरे कोई क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप किया था, कौन किया था? अरे कुशाग्र है, अरे कुशाग्र है रे, कहाँ गया? आया ही नहीं आ रहा हूँ। सर कहाँ है रे कुशाग्र, मैं कहाँ है रे? हाँ कुशाग्र है। क्या क्वेश्चन था रे तुम्हारा? क्वेश्चन पढ़े देखो रे, ये क्वेश्चन दिया था तो ये क्वेश्चन हम इसको जरा बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि 3 बॉल है जो सीलिंग से ही से टंगा हुआ है ना, आइडेंटिकल बॉल है। एक बॉल यहाँ है, एक बॉल कहीं यहाँ है, और तीसरा बॉल कहीं यहाँ है। ठीक है, ये सीलिंग से इसे टंगा हुआ है और एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तीनों बॉल पे प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। तो रिपल्सन के कारण ये तीनों ऐसे ओ कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, ये लेंथ एल है। मान लेते हैं ट्रायंगल का साइड क्या है, यही क्वेश्चन था नरे कुशाग्र यस सर। है ना। तो इसमें क्या करते हैं, मान लिए कि तीनों का मास, मास किधर रहेगा, वेट mg इधर लगेगा, ये सेंटर है ना, ये ओ है। यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉप कर दे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, समझ में आ? ये डिस्टेंस अगर देखें, ये हमारा मान लो r है। ठीक है, सो ये अगर r है तो इस r को हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू, यहाँ देखो इस ट्रायंगल को देखो, ये दूरी कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, सो a/2 इज इक्वल टू r, ये एंगल कितना है, 60 का आधा हो जाएगा 30, ये 30 डिग्री है, r cos 30 √3/2। तो r क्या हो जाएगा, a/√3, सही है, ये r हो गया। तो फाइंड क्या करना है? सर अब फाइंड क्या करना है, क्यों निकालना है, क्यों निकालना है ना रे कुशाग्र, है यस सर, ना। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इस बॉल के ऊपर देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन ऐसा लग रहा, इस एंगल को मान लो थीटा, तो ये हो जाएगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg, पहला इक्वेशन। और थीटा कैसे निकालेंगे, तो टैन थीटा हमारा हो जाएगा r/l। ठीक है, r/l मतलब a/√3 इंटू एल, ये हो गया टैन थीटा का वैल्यू। ठीक है, टी कॉस थीटा, ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि टी साइन थीटा जो होगा, जब ऊपर से देखेंगे इस बॉल को तो एक फोर्स इधर लगता होगा और एक फोर्स इधर लगता होगा एफ, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे ये वाला फोर्स इधर लगेगा, ये वाला फोर्स इधर लगेगा ना, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, इधर एफ आर, तो एफ आर क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा 2t, सॉरी 2f, 2f cos 30। ठीक है, और ये हो जाएगा t sin थीटा इज इक्वल टू 2f, मतलब k³² / a² cos 30 कितना तरह, √3/2। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर दो रे, तो डिवाइड करो, देखो 2 2 तो खा ही लेते अपन, डिवाइड कर देते हैं, तो टैन थीटा हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो टी जो हो जाएगा, टी टैन थीटा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा k³√3/a² कितना हो जाएगा रे, mg। तो टैन थीटा हमें पता है √3l, दैट इज इक्वल टू k³√3/mg इंटू ए स्क्वायर। अबे देखोगे आंसर ऐसे ही दिया है कुछ, कुशाग्र बिल्कुल। इससे क्यू का वैल्यू निकालो, देखो रे यही दिया है। हाँ सर,
समझ में आया रे बात? ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, समझ में आया तुम लोग को रे का पके? सर नहीं आया, कुछ कुछ ही आया। नहीं समझ में आया। tan थीटा r / l कैसे हुआ? tan थीटा r / l कैसे हुआ गधा? देखो फिर से देखो, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है भाई, ये ऐसा था, ये ऐसा था, तीन बॉल है ना, ये तीनों ऐसे टंगा हुआ है, उसे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हम, ये ऊपर वर्टिकल से, तो वर्टिकल से जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल क्या होगा रे? 90 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना ट्राइंगल, ठीक है, तो ये एंगल थीटा। इस वाले ट्राइंगल को देखो, लाल अक्षरों से लिखा हुआ है, दिखा? सो इससे लिख देंगे टैन थीटा इज आर बाई एल, ये एल है बराबर, और यहां पर ये लिखेंगे टैन थीटा, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स एफ, और ये हो जाएगा एम जी। बैलेंस कर दो, टी कॉस थीटा बराबर एम जी और टी साइन थीटा बराबर रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आया क्या? अब आया? बोलते ही नहीं, ठीक है। आज हमें और बोलो रे कुशाग्र, जल्दी बोलो सर। टेन थीटा पी बाय बेस होता है ना? अबे ठीक है, देखो टेन थीटा तुम्हारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर इज वेरी वेरी लेस देन एल, सो टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा, लिख सकते बे? हाँ। ये ए दिया है ना, ए बहुत छोटा बोला है, ए जो है बहुत छोटा बोला है, ऐसा हमने देखा तुम्हारे व्हाट्सएप पे, तो ए क्योंकि बहुत छोटा है तो tan थीटा एंड sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, है ना, तो sin थीटा tan थीटा को बराबर रख दिए, समझ में बात? हाँ सर। sin थीटा लिख लो, sin थीटा लिख लो r / l, और वही tan थीटा भी होगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ए बहुत छोटा दिया है एज कम्पेयर टू l, मतलब ये ट्राइंगल बहुत बहुत छोटा बनेगा, समझ गए? हाँ सर। चलो आगे बढ़ो। वंश शर्मा दिख नहीं रहा नाटक, चलो उसको गरियाना पड़ेगा। हाँ रे आगे बोलो, बोलो बोलो, और किसी को कोई डाउट है रे? अक्षत नहीं डाउट है। सर वो HCV में था। आप बोलते जाओ रे, बोलते जाओ। HCV का 10th क्वेश्चन है। हाँ पढ़ो। The gold, the radius of a gold nucleus is about। ये बताओ कि SC वर्मा का जो 10th क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ का? नहीं गॉस लॉ का। अच्छा बोलो, ये एक क्वेश्चन नंबर 10th है ना SCV का, ठीक है, बोलो पढ़ो। रेडियस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस z = 79 इज अबाउट z = 79, तो व्हाट इज टोटल चार्ज? टोटल चार्ज हो जाएगा 79 e, e का मतलब क्या होता है 1.6, क्योंकि 79 मतलब 79 पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे इसके, है ना, और इसका रेडियस गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस r दिया, व्हाट इज रेडियस r? आर दिया, चलो पूछा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल ऑफ रेडियस, अरे मिडिल में निकालना रे यहाँ पर है, अरे सो ई इज इक्वल टू अपन पढ़े थे ना के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू, तो स्मॉल आर को रख दियो, मिडिल मतलब क्या हो बे? आर बाई टू, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई करके देखे हो, Q का वैल्यू 79 ही रख देना, K का वैल्यू तो पता है रेडियस दिया ही है, नहीं आया? मैंने हाँ नहीं समझा, नहीं आ गया सर, मैं रख रहा था। बोलो क्या दिक्कत है? ये सॉलिड स्फीयर ही ना रहेगा, न्यूक्लियस इज एक्चुअली लाइक अ सॉलिड स्फीयर, है ना, रेडियस के बीच की जगह स्फीयर के बीच में रख रहा था। क्या चीज? रेडियस के, रेडियस के बीच की जगह मैं स्फीयर के बीच में रख रहा था। हाँ तो रेडियस r by 2 है ना, बीच में तो r by 2 ना, गलत है। चलो हम एक आर्टिकल लेते हैं,
क्वेश्चन देखते रहे, देखते देखते एक मिनट खोलते हैं। एससी वर्मा, एससी वर्मा में है गॉस लॉ का क्वेश्चन नंबर 10। द रेडियस और है ना पॉजिटिव, द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, सरफेस पे तो एकदम इजी है सर, है ना, सरफेस पे तो KQ by R square रख दियो। कहाँ गया रे भैया, सरफेस पे ठीक है, बीच में तो यहाँ पे हो जाएगा ना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे तो क्या हो जाएगा, इट इज KQ by R square आ जाएगा रे। इनसाइड अगर निकालना है R by 2 पे तो ये फॉर्मूला लगेगा ना, सॉलिड स्फीयर वाला, सॉलिड स्फीयर के अंदर का फील्ड है ना, इट इज KQ स्मॉल R by R cube, ठीक है, और R का वैल्यू R by 2 रख दो, इनसाइड है। बोलो और क्या तकलीफ है, हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो आज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेल पढ़ना, ठीक है, ये पढ़ना अपने को कि अगर एक मान लो मेटेलिक सेल है हमारे पास, ठीक है, दिस इज अ मेटेलिक, ठीक है, ये हम लोग सॉलिड स्फीयर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का बात कर रहे हैं, ये एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, फिगर तो हम बना करके ऑलरेडी रखे हैं क्योंकि इतना अच्छा गोला बनेगा नहीं मेरे से, ठीक है, तो ये हमारा एक मेटेलिक स्फीयर है, बहुत थिन है, बहुत पतला है, इसका रेडियस क्या है आर, थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, समझ में आवा। अब इसके ऊपर जब चार्ज देंगे कैपिटल क्यू, तो देखो कितना सरफेस है, इस मेटल स्फीयर के अंदर दो सरफेस है, एक इनसाइड और दूसरा आउटसाइड, ठीक है, इस मेटल स्फीयर में दो तरह का सरफेस है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, बराबर है, ठीक है, अरे सही ना, समझ में आ क्या, एक इनसाइड सरफेस रहेगा, और जैसे ही चार्ज दोगे तो कुछ चार्ज, मान लो प्लस क्यू कूलम चार्ज हमने दिया तो कुछ चार्ज इनसाइड आ गया, प्लस है ना कुछ इनसाइड आ गया, टोटल चार्ज जोड़ के कैपिटल क्यू है, तो कुछ चार्ज मान लेते हैं इनसाइड आ गया, इनसाइड चार्ज कितना आया, मान लेते हैं क्यू, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, टोटल चार्ज जो आउटर सरफेस पे, हाँ वेरी गुड, क्यू माइनस बड़ा क्यू माइनस छोटा, हाँ वेरी गुड, तो दोनों सरफेस पे ये चार्ज हो गया, यहाँ तक तो समझ ही गए हो, ठीक है, ये हमारा चार्ज हो गया बाहर वाले सरफेस पे और अंदर वाले सरफेस पे, ठीक है, ये चार्ज हो गया। अब क्या करते हैं कि हमें देखना है कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन मेटल इज ऑलवेज क्या होता है, जीरो, जीरो, प्लेट में भी हम लोग यही पढ़े थे, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, देखो हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, कहाँ पे, ये मेटल, ठीक है, इस मेटल पे हम एक गॉसियन सरफेस कैसा ले लिए, स्फेरिकल, ठीक है, मेटल के अंदर, अब मेटल के अंदर अगर हम गॉसियन सरफेस ले लिए तो क्या होगा, देखो इसी रेडियस का एक गॉसियन सरफेस, और मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, सो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज द चार्ज इनसाइड, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ये चार्ज तो इस रेड वाले गॉसियन सरफेस के अंदर ही है ना, अरे समझा रे, है ना, yes, sir. गॉसियन सरफेस के यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने मान लिया ई और लिख दिया टोटल फ्लक्स, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, ठीक है, तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अगर सेम डायरेक्शन में है तो ई डॉट डी इज इनटू एरिया क्यू इनसाइड, अब तुम्हें पता है कि मेटल के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो, तो इसका मतलब ये तो मेटल के अंदर ही है, तो यहां पर फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो, तो इसको क्या कर देंगे, जीरो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे क्या पता चला रे कि क्यू इज आल्सो जीरो, मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है,
क्योंकि अगर सेल के अंदर चार्ज, यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रहा, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। इसीलिए दिस चार्ज इज ऑलवेज जीरो। बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है क्या बोले? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस मेटेलिक स्फीयर पे चार्ज देंगे, सेल पे अगर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे, तो टोटल का टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, इनर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, अंदर में चार्ज जीरो होगा और बाहर में चार्ज प्लस क्यू होगा, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। बराबर है? दिस इज अ मेटेलिक सेल। समझ गए? मेटेलिक सेल के ऊपर जो चार्ज अगर रखेंगे, जैसे ही चार्ज रखेंगे, तो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा। समझ गए शाश्वत? हाँ सर। हाँ सर आगे। ठीक है, तो इनसाइड चार्ज क्या रहेगा? जीरो। ठीक है, ये तो हुआ एक सेल है तो। ठीक है, यही लॉजिक समझ गए ना? अब इस सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। और सेल के बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है पी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इनसाइड में फील्ड अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा? ई इनसाइड इज जीरो। यही होता है ना? ठीक है, यहाँ पर भी फील्ड क्या होगा? यहाँ पर भी फील्ड जीरो होगा, मतलब जब सरफेस से बाहर जाएंगे तभी फील्ड क्रिएट होगा। क्लियर है? तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अबे ये तो कूलम्स लॉ में पढ़े थे, इनसाइड जीरो इसलिए होता है कि अगर हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले लें, ठीक है, मान लो हमने ऐसा गॉसियन सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जीरो। अगर हम मान लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो हम लिखेंगे ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर मान लेते हैं, इज इक्वल टू व्हाट इज चार्ज? इसके अंदर चार्ज कितना है? जीरो। जीरो। सो अगर ये जीरो है, ये तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ई इनसाइड क्या होगा? जीरो। ठीक है, समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ जो बनता है वो जीरो से लेके कैपिटल आर तक फोर सेल इट इज जीरो। और सरफेस पे जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचते हैं आउटसाइड के लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करता है। समझ गए? दिस इज फॉर सेल। ये हम कूलम्स लॉ में भी बताए थे कि सेल के अंदर फील्ड जीरो होता है। क्यों जीरो होता है समझ में आया? बाय गॉस लॉ हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया का पूरा इंटीग्रेशन अगर कर दें, ई डॉट डी ए अगर कर दें, ठीक है, पूरे सरफेस पे, तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये गॉसियन सरफेस एरिया हमने ये वाला ले रखा है, तो इस गॉसियन सरफेस एरिया के अंदर चार्ज कितना है? जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हुआ? जीरो। समझ में आ बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि दिक्कत है? कारे वंस, ए वंस सर, कारे कितना लेट आ रहे तो? अरे सर, ये मेरे जरा जूम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। जूम में प्रॉब्लम आ गया था? हाँ सर, ये तो जरा रीस्टार्ट करा, थोड़ी सेटिंग्स में करा तो सही हो गया। चलो ठीक है, ये सेल का कहानी समझ में आ गया तू लोगों? अरे सिबा, ठीक है, अब इसके अगले पे चलते हैं। देखो सर, इनसाइड चार्ज जीरो कैसे हुआ? चार्ज कैसे जीरो? इनसाइड चार्ज, ये देखो, ये ऐसा है, ये सेल है ना? अब तुमसे बोले वो पॉइंट है, ये सेल है, खोखला है। खोखला कैसा समझ गया? जैसे तुम्हारा दिमाग खोखला। तो अगर हमें पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, जो भी तुम चार्ज रखे हो, तो ये सरफेस पे है ना रे? हाँ सर। ठीक है, अब हमें फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस एरिया चूज कर लेते। तो गॉसियन सरफेस एरिया कैसा ले ले? स्फीयर। स्टार्टिंग में अपन ने माना था कि क्यू चार्ज अंदर भी है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो अंदर वाला चार्ज कैसे नहीं है बाद में? मुझे छोटा अबे पूरा कहानी खराब कर दिया बे।
कहानी खराब यार, बाकी का समझ में आ गया बस। ये चार्ज जीरो क्यों हुआ, ये क्यों, ये बता रहा ना। ये जीरो इसलिए हुआ कि मेटल में फील्ड क्या होता है, यहाँ पर देखो मेटल में फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर हम मेटल में ही गॉसियन, ये दोनों प्लेट के बीच, ये मेटल का सेल है, इसके बीचों बीच अगर हम एक गॉसियन सरफेस एरिया ऐसे चूज कर लें बीचों बीच, तो यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लोहे के अंदर, लोहे के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, जीरो है। तो इस गॉसियन सरफेस एरिया को लेकर के हम गॉस लॉ अप्लाई किए, E इन द मैग्नेटिक एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस एरिया, हमने Q मान रखा है अभी, तो यहाँ लिख दिए प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जबकि मेटल में E क्या होना चाहिए, जीरो। तो मेटल का E को जीरो किए तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। और अगर ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब Q क्या हो गया, जीरो, मतलब अंदर वाले सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, जीरो, मतलब ये चार्ज क्या हो गया, जीरो। नहीं समझ में आया, अब आ गया पूरा बात समझ में। उसी तरह से अब हम दूसरा बार क्या किए कि ये सेल था, इसके जो भी चार्ज हमने रखा है वो पूरे सरफेस पे है, अंदर वाले सरफेस पे क्या चार्ज है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, नहीं है ना। अब यहाँ पे चार्ज नहीं ना अंदर सरफेस पे, एक सेल का दो सरफेस होता है, पहला सरफेस दूसरा सरफेस। और अगर हम आर डिस्टेंस दूर बोले और मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, हमें नहीं पता कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम मान लेते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इनसाइड, यहाँ पर मान लेते हैं ई इनसाइड है ना, यहाँ पर ई इनसाइड। तो अब हम क्या लिखेंगे, गॉस लॉ, ई इनसाइड इनटू टोटल सरफेस एरिया, तो व्हाट इज सरफेस एरिया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कि ये जो गॉसियन सरफेस एरिया हमने लिया इसमें कितना चार्ज है, जीरो, जीरो, इसको हम जीरो कर दें। अब हमारे पास आया E inside into 4 pi r square is 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, E inside is 0। नहीं बात समझना, ठीक है, मतलब इस गॉसियन सर ये सेल के अंदर हर जगह पे फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा, समझ में आ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, क्लियर है सर। इसे मेटालिक सेल के लिए है ना, हाँ ये मेटालिक सेल के लिए है, नॉन मेटालिक के लिए तो जहां पे चार्ज रख दोगे वहीं पड़ा रहेगा, उसके लिए तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। एक नॉन मेटालिक सेल है जिसमें हर जगह चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस पे, तो इनसाइड फील्ड चार्ज मूव नहीं कर पाएगा, जहां चार्ज रख दोगे नॉन मेटालिक पे वहीं पड़ा रहेगा, वो घूमेगा ही नहीं, इधर उधर जाएगा, समझ में बात, ठीक है। मेटल में चार्ज मूव करता है ना, अब लकड़ी पे एक जगह कहीं चार्ज रख दो तो लकड़ी का जो चार्ज है वहीं का वहीं रहेगा, वो तो जा ही नहीं सकता इधर उधर, समझ में आ, तो लकड़ी सबके लिए तो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, समझ गए रहे अब, क्लियर है ये, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये दो सेल है, दो मेटेलिक सेल है, ठीक है, ये दो मेटेलिक सेल है, एक का रेडियस, ठीक है, ये सॉलिड है एक्चुअली, ये सॉलिड मतलब कि ये थोड़ा सा मोटा हम बनाए हैं, दीज आर वेरी थिन सेल्स, एक का रेडियस आर वन है और एक का रेडियस आर टू है, ये जो है ना भरा हुआ है, ठीक है, पतला है बहुत, एक का रेडियस आर वन है और दूसरे का रेडियस आर टू है, ठीक है, ये दो मेटेलिक सेल है। अब दो मेटेलिक सेल में टोटल मिला के कितना सरफेस होगा, इस दोनों में टोटल मिला करके जो सरफेस होगा चार होगा। अब मान लो कि इस पे हमने चार्ज दे दिया कितना Q1 और इस पे चार्ज दे दिया कितना Q2, दोनों पे अलग अलग चार्ज दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो सरफेस है 1, 2, 3 और 4, चार सरफेस है, ठीक है। अब हमें बताना है कि चारों सरफेस पे चार्ज क्या होगा, ठीक है, Q3 एंड Q4, व्हाट इज Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ये बताना, ठीक। तो अब हम इसको समझाते हैं, तुम लोग सुनो। पहला सरफेस पे हमने देखो, पहला स्फीयर पे टोटल चार्ज जोड़ के कितना है Q1, ठीक है।
अगर हमने अंदर में चार्ज मान लिया क्यू प्लस क्यू मान लेते, ठीक है, यहाँ पे तो बाहर में चार्ज कितना हो जाएगा, बाहर में चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस ठीक है। अब इस स्फीयर पे चार्ज अगर Q2 मान ले, यहाँ पे Q2 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ का चार्ज अंदर का पता नहीं, तो ये चार्ज अगर स्मॉल Q2 है, इसको Q1 मान लो, ठीक है, और इसको स्मॉल Q2 मान लो, तो ये चार्ज अगर Q2 है तो बाहर पे चार्ज क्या हो जाएगा, ये चार्ज माइनस, वेरी गुड, इट इज Q2 माइनस स्मॉल Q2, सही है। अब थर्ड वाले सरफेस में उसका नेगेटिव होगा ना, मतलब नेगेटिव ऑफ Q1 माइनस Q, मान लेते हैं प्लस Q2 है, वो अपने को निकालना ही है, Q1 Q2 का वैल्यू निकालना ही है, मान लेते हैं Q2 है, जब अपने को नहीं पता तो अपन पॉजिटिव मान, ठीक है, Q1 स्मॉल Q1 और Q2 का वैल्यू अपने को पता नहीं, ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि भैया ये भी प्लस है और ये भी प्लस, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस एरिया ले रहे हैं, पहला गॉसियन सरफेस एरिया हमने यहाँ पर लिया रहे, देखो इस छोटे वाले स्फीयर के बीचों बीच, ठीक है, अब इसको सबसे पहले देखते हैं, ये कहाँ लिया है हमने, मेटल के अंदर, ये पहला गॉसियन सरफेस एरिया है, तो पहला गॉसियन सरफेस एरिया में हम लिखेंगे E1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, इस गॉसियन सरफेस एरिया के अंदर चार्ज कितना है, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, देखो तो ठीक है, ये पहला स्टेप ठीक है। अब हमें पता है कि E1 क्या होना चाहिए, वी कैन से E1 इज जीरो, क्योंकि यहां पर तो मेटल है, यहां पर क्या है, मेटल है ना, ये E1 मेटल के अंदर है ना, हाँ, तो E1 क्या होना चाहिए, E1 मस्ट बी जीरो, सो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, सो Q1 इज इक्वल टू क्या, जीरो, जीरो, ठीक है, तो पहले सरफेस पे चार्ज होगा जीरो, ठीक है, समझ में आया बात, हाँ, ये क्या बोल सर, तो दूसरी सरफेस पे Q1 होगा चार्ज बड़ा कैपिटल, चलो दूसरे सरफेस पे अब Q2 देखते हैं, ठीक है, सेकंड सरफेस, पहला तो चार्ज जीरो हो गया, ये तो समझ गया, पहला पे ये चार्ज क्या हो गया, जीरो, तो ये क्या हो गया टोटल, Q2 इज Q1, ये सेकंड सरफेस का चार्ज है ना, ये हो गया Q1। अब अपन Q3 थर्ड सरफेस का देखते हैं, तो थर्ड सरफेस के लिए फिर से क्या करेंगे कि हम एक गॉसियन सरफेस एरिया यहाँ पे लेते हैं, देखो इस प्लेट के अंदर सेकंड सेल के अंदर ले लिया ना, यहाँ पे गॉसियन सरफेस, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए इसलिए आराम आराम से बना रहे हैं, अगर हम मान लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, E2 इंटू एरिया कितना रहे, 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो लाल वाला गॉसियन सरफेस एरिया है इसमें टोटल चार्ज इनसाइड कितना है, देखो Q2 प्लस स्मॉल Q2 है ना, इस लाल वाले गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, देखो ये भी इसके अंदर ही पूरा आ गया, ठीक है, समझ में आना, तो ये चार्ज जो है ये तो हमें पता है कि Q1 है, ये तो हमें पता हो गया अभी कि ये इनसाइड जीरो और बाहर में Q1, अब इस लाल वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कितना कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2 Q2 अभी पता नहीं ना रे, Q1 प्लस Q2 यहां लिख दिया Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस एरिया, ये लाल वाला गॉसियन सरफेस एरिया के अंदर का चार्ज बताना, तो ये Q2 अंदर है और Q1 भी अंदर है, तो टोटल चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, सही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी क्या होगा, क्योंकि E2 भी मेटल के अंदर ही है, मेटल ही है ना यहाँ पे,
अबे यहाँ पे मेटल ही है ना, हाँ सर, तो ई टू भी क्या होना चाहिए, जीरो। सो ई टू जीरो मतलब ये पूरा टर्म क्या, जीरो। इसका मतलब क्यू वन प्लस क्यू टू मस्ट बी जीरो, इट मीन्स क्यू टू इज इक्वल टू क्या, माइनस क्यू वन। समझ में, मतलब ये जो Q2 हमने लिया है ये माइनस Q1 के बराबर होगा, बराबर है। और टोटल सरफेस तीसरा चौथा सरफेस पे ये Q3 हो गया माइनस Q1, और Q4 क्या हो जाएगा फिर, Q1 प्लस Q1, क्योंकि टोटल चार्ज इस पे जोड़ करके सेकंड वाले पे Q2 होना चाहिए, ठीक है। तो Q3 माइनस Q1 हो गया, और Q4 मतलब चारों सरफेस का ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो तो रे, समझ में आया रे? हाँ सर। अब ये जो सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्चुअली एस सी वर्मा में दिया हुआ नहीं है, तो ये तुम लोगों को यहीं पे समझना पड़ेगा, ठीक है। ई टू जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ई टू मेटल के अंदर था। ई वन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ई वन भी मेटल के अंदर था। ये ई वन भी जीरो था और मेटल के अंदर ई टू भी जीरो था। देखो जरा एक बार समझो, किसी को डाउट है तो बता दो, बोलो। सर एक ही दिया है। हाँ क्या रे? सर एक ही दिया इसके जैसा क्वेश्चन एस सी वर्मा में। हाँ ठीक है ना, तो ऐसा क्या करो, अभी हम दे रहे हैं ना और क्वेश्चन दे रहे हैं। ये समझ में आ गया कि अभी अपने को इसमें बहुत आगे भी करना, पोटेंशियल में फिर से पढ़ना है, फिर से प्लेट, समझ में आ, कैपेसिटर में फिर से पढ़ना, मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर में यही दो तीन चीज पढ़ना है। मिल कैपेसिटर में तो पूरा यही पैरेलल प्लेट के बारे में पढ़ना है जो पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। और ये स्फेरिकल और एक सिलेंड्रिकल, तीन तरह का कैपेसिटर होता है, ये तीनों अपने को पढ़ना, मतलब यही मिला जुला के पढ़ना, इसलिए अभी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझा रहे। देखो तो सही है ये। अब एक और क्वेश्चन ले लें, एक और देख लो, किसी को समझ में ना, तनिषा, तनिषा, हर्षिता, वैभव, भव, समझ गए, अक्षय सेठी, आ गया समझ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें और देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो सेल है ये तीन सेलर है, समझ गए। पहला का रेडियस आर वन, देखो R1, R2, R3 से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ लेना देना नहीं। इसका रेडियस R3, ये तीन सेल है, सॉलिड है, ठीक है, मतलब ये मेटल रहा, तीन मेटेलिक सेल है, कितना सरफेस बन जाएगा, छह, ठीक है। अब इसमें एक चीज और अपने को पढ़ना रहता है जो आगे तुमको पढ़ाएंगे, कि दो सेल को जोड़ दिए तब क्या होता है, दो प्लेट को जोड़ दिए तब क्या होता है, ग्राउंड कर दिए तब क्या होता है, ये सब थोड़ा सा पोटेंशियल पढ़ाने के बाद हमको बताना, समझ गया। ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, सीखोगे तो इसमें बहुत सारा चीज सीखने का, और आईटी में और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है ना तो इधर से ही आता है घुमा फिरा, जो बुक्स में दिया नहीं रहता। ये तीनों सेल है। अब पहला सेल पे देखो, हमने पहला सेल पे कितना चार्ज डाला, पहला सेल पे चार्ज डाला Q1 is equal to Q, सेकेंड सेल पे चार्ज डाला प्लस, प्लस ने माइनस डाल देते हैं, माइनस 3Q, ठीक है, और चौथे पे चार्ज डाला प्लस 2Q, सॉरी तीसरे पे, ठीक है। पहले पे चार्ज डाला Q1, इस पे चार्ज डाला Q2 और इस पे चार्ज डाला Q3, है तो छह सरफेस, एक दो तीन चार पांच एंड छ। तुम्हें बताना है चार्ज ऑन फर्स्ट, चार्ज ऑन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, छो सरफेस पे क्या क्या चार्ज आएगा, ठीक है, बोलो। सर Q1 तो जीरो हो जाएगा, Q2... अरे वाह, Q1 जीरो, कितना होशियार है, Q1 जीरो, वेरी गुड, ये जीरो हो गया, Q2 माइनस Q1, Q2 इज माइनस Q1, Q1 यहाँ दिया हुआ है, हाँ माइनस Q, माइनस Q, गधा कहीं का, सर Q आएगा, हाँ Q आएगा, प्लस Q, प्लस Q, प्लस Q, ये प्लस Q आएगा, Q3 माइनस, सर Q3 माइनस Q,
माइनस क्यू फोर माइनस टू क्यू थ्री क्यू नहीं टू क्यू सही बोला थ्री क्यू नहीं तो गलत हो जाएगा ना क्यू फाइव माइनस टू क्यू माइनस प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू और क्यू सिक्स जीरो जीरो वेरी गुड ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है देख लो रे किसी को डाउट है कम सही बताया इस गधे ने यहाँ तो चार्ज जीरो ही होना है ठीक है ये चार्ज जीरो तो टोटल इस पहले पे चार्ज जितना डाले थे वो सेकंड सरफेस पे आ जाएगा कैपिटल क्यू क्योंकि ये कैपिटल क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू क्योंकि सेकंड पे टोटल चार्ज थ्री क्यू है तो ये माइनस क्यू है तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू क्यू और क्योंकि ये माइनस टू क्यू है तो ये क्या हो जाएगा प्लस टू क्यू और क्योंकि ये प्लस टू क्यू है तो चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से इस पे टोटल चार्ज तो प्लस टू क्यू होना चाहिए तो यहाँ चार्ज जीरो मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बराबर है मतलब तीन प्लेट हो तीन स्फीयर हो चार स्फीयर हो ठीक है छे वो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है समझ गए हो ठीक है आगे बढ़े हाँ सर है ना अब देखो इसके बाद आता है ये तो सेल का कहानी था आज अपने को कैविटी का कहानी भी एक बता दें ठीक है आज ये गॉस लॉ खत्म हो गया ठीक है कैविटी एक बताना है बस अपना कहानी खत्म हो जाएगा ठीक है कैविटी में देखो क्या होता है क्वेश्चन हम लिए है ये सेल वाला किसी को डाउट हो तो बता दे कोई जल्दीबाजी नहीं है जिसको भी डाउट रहे तो बता दे बोलो सर आगे सर किसी को डाउट है तो बता दे रे किसी को डाउट है तो बता दे कि डाउट है बोलो रे सर आगे चलो ठीक है अब अपन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो अपने को जो क्वेश्चन करना है ये क्वेश्चन करना ठीक है देखो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी ऑफ चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज डेंसिटी रो ठीक है आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन ये है कि मान लो ये हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है दिस इज अ सॉलिड चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस क्या है आर मान लेते हैं इसका रेडियस है आर इसके अंदर एक कैविटी हमने बना रखा ठीक है कैविटी का डिस्टेंस क्या यहाँ से आर स्मॉल आर ये इसका सेंटर है ये कैविटी का सेंटर है और ये एक कोई पॉइंट पी है ये पॉइंट है पी जो कि यहाँ से आर वन डिस्टेंस दूर है और यहाँ से आर टू डिस्टेंस दूर है ठीक है और इसमें चार्ज भरा हुआ है चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज रो कूलम पर मीटर क्यूब ठीक है रो कूलम पर मीटर क्यूब तुम्हें बताना है व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा ठीक है अब देखो समझ में आया बात हाँ सर ठीक है अब इस क्वेश्चन को हम तुम्हें सॉल्व करके बताते हैं तुम्हें क्या सोचना है देखो सबसे पहले ये फिगर क्लियर है इसको हम एक बार और यहाँ बनाते हैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके बनाए पहले हम पूरा सॉलिड स्फीयर को कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस कितना था आर और मान लेते हैं कि इस पे चार्ज भरा हुआ है कितना रो कूलम पर मीटर क्यू चार्ज भरा हुआ ठीक है हमने इसमें कैविटी नहीं बनाया ये पॉइंट पी है हमारा यहाँ पे और ये डिस्टेंस क्या है आर वन तो तुम्हें पता है कि अगर इस पे चार्ज कैपिटल क्यू होता तो फील्ड एट पॉइंट पी क्या होता इस के क्यू आर वन बाई आर क्यूब यही होता ना और डायरेक्शन ऐसा होता ऐसा मतलब इधर ये डायरेक्शन होता सही है ये रिजल्ट क्लियर है बिना कैविटी के पी पॉइंट पे जो फील्ड होता वो होता के क्यू स्मॉल क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर है अब क्यू वन का वैल्यू अपन देखते हैं ये जो चार्ज है तो क्यू क्या होता रो इंटू वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब देखो तो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ठीक है या गलत है बोलो ठीक है सो हमारा ये इवन जो हो जाएगा ये हम इवन वेक्टर फॉर्म में ये इवन हो जाएगा
वेक्टर फॉर्म में आर वन के डायरेक्शन में हो जाएगा के मतलब 4πε0 ठीक है आर क्यूब और क्यू का मतलब यहां रख देते हैं रो 4π3π आर क्यूब इंटू आर वन। देखो ई वन का डायरेक्शन आर वन में है ये ठीक है ठीक है। अब काट देते जो जो कटता है 4π कट गया आर क्यूब कट गया तो बचा क्या हमारे पास ई वन इज इक्वल टू रो आर वन बाई 3ε0 ठीक है मीन्स ई वन इज इक्वल टू रो आर वन बाई 3ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर कैविटी नहीं होता तो सही है ना। अब बस हो गए हाँ सर हाँ सर। अब छोटा सा कैविटी हमें काटना है तो जो कैविटी हमें हटाना है उसका रेडियस मान लेते हैं कितना है स्मॉल आर ठीक है या मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है ए। इस पे भी चार्ज वैसे ही है मान लो और यहां से ये पी पॉइंट कहाँ है यहाँ पे है कितना डिस्टेंस दूर आर टू ठीक है तो ई टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ई टू हो जाएगा रो आर टू बाई 3ε0। ये कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड बनेगा आर टू के डायरेक्शन में ठीक है। अब जब हम कैविटी यहां से काट के हटाएंगे तब देखो क्या कैविटी काट के हटाएंगे का मतलब ये हुआ कि ये हम स्फीयर काट के फेंक रहे हैं इसको काट के फेंक देंगे तो कैविटी बन जाएगा ना जिसका सेंटर यहां था और ये डिस्टेंस आर टू था तो ये कैविटी बन जाएगा ना ठीक है। अब टोटल फील्ड में से ये कैविटी के कारण जो फील्ड था वो क्या हो जाएगा घट जाएगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो बनेगा वो बनेगा ई वन माइनस ई टू। देखो तो समझ में आया क्योंकि ये जब हम काट के हटा रहे इतना चार्ज तो इतना चार्ज जब हटा देंगे तो इतने चार्ज के कारण जो पी पॉइंट पे फील्ड था वो टोटल फील्ड में से क्या हो जाएगा घट जाएगा। नहीं समझ रहा आ गया सर आया सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इवन इज रो बाय 3ε0 आर वन माइनस रो आर टू बाय 3ε0 ये हो जाएगा रो बाय 3ε0 वेक्टर आर वन माइनस आर टू। और R1 माइनस R2 को अगर देखें तो देखो यहां से ये वेक्टर R1 है यहां से ये वेक्टर R2 है ठीक है और ये वेक्टर हमारा क्या है R। इस फिगर को ऊपर वाले फिगर को देखो जरा इस फिगर को देखो ये हमारा R1 है ये हमारा R2 है और ये वेक्टर है हमारा R ठीक है। सो यही तीनों वेक्टर को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया तो इस वेक्टर को तीनों को देखो तो तुम लिख सकते हो बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर आर प्लस वेक्टर आर टू इज वेक्टर आर वन और वेक्टर आर इज वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू। तो आर वन माइनस आर टू को हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज रो बाय 3ε0 इंटू वेक्टर आर। समझ में आया वेक्टर आर मतलब समझ में आया रे नहीं सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज रो आर बाई 3ε0 यही हमने यहाँ पे डिराइव करके आंसर में लिखा था रो आर बाई 3ε0 एंड द डायरेक्शन इज आर कैप मतलब आर के डायरेक्शन मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कैविटी रहेगा ये स्फीयर है इसके अंदर जो कैविटी रहेगा ये सेंटर है ये डिस्टेंस आर है ये वेक्टर आर ऐसा रहेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पैरेलल टू आर मतलब ठीक है पैरेलल टू आर का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रहेगा ठीक है आर के पैरेलल और हर जगह कांस्टेंट होगा कहीं पर भी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज रो आर वेक्टर आर बाय 3ε0
और ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर आर वन और आर टू, मतलब ये वाला आर वन और ये वाला आर टू पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इस कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? अरे गाड़ी वगैरह बता देना, तुम फिर से बता देंगे, इसको बोलते हैं, समझ गए क्या सर? अगर इसमें अनइवनली स्प्रेड होता चार्ज तो अनइवनली देखो अनइवनली स्प्रेड होता तो मैथमेटिकल लिमिट है ना, ठीक है सर, मैथमेटिकल लिमिट है, हमारा लिमिटेशन है, अगर अनइवन रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, फिर निकालना हमारे बस का बात नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का हर कैलकुलेशन हम कर लें ये जरूरी नहीं ना। मैं जहां तक कर सकते हैं वहीं तक अपने सिलेबस में रहेगा ना, रे अनइवन रहेगा तो कहानी बताएगा ना, अनइवन का तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, फिर तो सॉल्व करते रहेंगे, समझ में आ? तो अपने को कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन का बात करना, अनइवन में अनइवन रहेगा तो ठीक है बट कैविटी नहीं रहेगा, समझ गए? फिर से समझा रे? किसी को अगर लगता है कि फिर से समझाए तो बता दो, हम फिर से अपन ने R1 माइनस R2 को अपन ने R वो R वेक्टर लिख दिया, वो करना जरूरी है क्या? क्योंकि R1 R2 देखो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज R, R1 माइनस R2, R1 R2 तो पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता रहेगा, ये R1 और ये R2 जो है, ये R1 और R2 पोजीशन बदलेगा तो R1 R2 बदल जाएगा, बट R जो है क्या है? कांस्टेंट, सेंटर से सेंटर का दूरी तो कांस्टेंट हुआ ना। यहाँ पर देखो कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, ये है, ये R है और ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, तो अलग अलग P पॉइंट के लिए R1 R2 अलग हो, बट R तो दिस R इज कांस्टेंट, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज एक्चुअली R पर डिपेंड करता है, वो R1 R2 पर डिपेंड नहीं करता। R1 R2 क्या हुआ? P पॉइंट का पोजीशन का कोऑर्डिनेट दोनों सेंटर्स, और ये उस पर डिपेंड नहीं करता, समझ में आ रहा बात? इसलिए हम उसको कांस्टेंट के टर्म में ट्रांसफॉर्म कर दें। बोलो तो हम इसको दोबारा फिर से समझाएं। सर एक बार फिर से बता दीजिए, फिर से बता दे, देखो तो इसको फिर से देखो, यहां समझाते इसको हम दूसरे तरीके समझाएंगे। क्या हुआ, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है ऐसा बड़ा सा, ठीक है, इस पे चार्ज भरा हुआ, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, लेट द चार्ज डेंसिटी इज प्लस रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, इसका रेडियस जो भी है मान लेते हैं, रेडियस क्या है इसका आर, और यहां पर हमें पी पॉइंट पे फील्ड निकालना जो कि आर वन डिस्टेंस दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये इसको हम इवन मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल आर वन बाय आर क्यूब, ठीक है, और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सही है, ठीक है, Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये इवन जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा K बाई आर क्यूब इंटू क्यू, क्यू का मतलब हो गया रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर वन, ये आर क्यूब कट गया, K से K को हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई भी कट गया, ये बच गया रो आर वन बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इवन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक कैविटी काटना है, ऐसा काटना है ना, ठीक है, जिसका सेंटर से दूरी तो R है और यहां से ये दूरी क्या है R2, तो यहाँ पे चार्ज गायब करना, तो हम क्या करते हैं, ऐसा स्फीयर यहाँ कंसिडर कर लेते हैं और ये पॉइंट P यहाँ पे है R2 डिस्टेंस पे, और मान लेते हैं इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, अब क्योंकि हमने चार्ज नेगेटिव रख दिया इसलिए ये सेंटर की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा ना, जो आउटर होना चाहिए था नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, ठीक है, और E2 का वैल्यू इतना रहेगा,
इतने में देखो पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और उसी तरह का एक स्फीयर हमने और लिया और इसको अगर हम निगेटिव चार्ज को जाके यहाँ पे स्फीयर को चिपका दे तो इतना पॉजिटिव चार्ज और इतना निगेटिव चार्ज मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। कैविटी बन जाएगा ना, कैविटी में क्या था, चार्ज जीरो ही तो था। अब कहाँ हो? हाँ सर, है ना, कैविटी में चार्ज जीरो ही था ना। तो इस नेगेटिव चार्ज वाले स्फीयर को ले जा करके अगर हम यहाँ पे चिपका दें तो नेट चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा स्फीयर में, जीरो। इसका मतलब हुआ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज E1 प्लस E2, ये जोड़ना है। तो E1 तो है रो R1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 क्या है रे माइनस रो R2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। और R1 माइनस R2 वेक्टर के तरीके से देखें तो R1 माइनस R2 इज वेक्टर R, ठीक है। सो इसको हम लिख देंगे रो वेक्टर R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज पैरेलल टू वेक्टर R, मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना कैविटी के अंदर उसका डायरेक्शन आर के लॉन्ग होगा ऐसा, ठीक है। हर जगह कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और वो आर के लॉन्ग डायरेक्टेड रहेगा, समझ गए। ये इस तरह से मतलब दिस इज आल्सो कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम, या तो तुम ऐसे समझ सकते हो या हमने जो ये बताया कि भाई कैविटी काटना है तो पहले ये कैविटी को एक अलग स्फीयर कंसीडर करें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और टोटल में से जब ये कैविटी काट के हटाएंगे तो ये कैविटी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को साथ लेता जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बच जाएगा इज E1 माइनस E2, समझ में आ। ये दो तरीका होता, तुमको दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर सकते, इज इट क्लियर। बात समझ में आ गया क्या, ठीक है। अगला पे आए देखो, सर ये सुपरपोजिशन अपन ने उसमें भी करा था ना, वो शायद ग्रेविटेशन में करा। हाँ ग्रेविटेशन में भी ऐसे यूज होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ कैविटी, है ना। जो लोग पढ़े थे 11th में उनको तो पढ़ाए होंगे, बाकी वही चीज यहाँ पे करीब करीब वो ऐसे यूज होता है, ठीक है। समझ में आया क्या, देख लो सही है। चलो आगे बढ़े बढ़े सर, थक गए बता दियो रे, थक जाना सर, थक गए नहीं 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 ना। लो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए बॉल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, हैविंग चार्ज स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ चार्ज सराउंडिंग द स्पेस फिल्ड विद द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट आर इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल फाइंड द बॉल चार्ज फॉर विच द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर आउटसाइड बॉल। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में आया, देखो जरा पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो रे अंग्रेजी में लिखा हुआ पढ़ो जरा। अब गॉस लॉ खत्म हो गए रे, अगले क्लास से हम लोग पोटेंशियल शुरू करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल, मतलब तीन से चार, चार क्लास पांच क्लास में खत्म, मतलब अगले वीक में खत्म हो जाएगा चैप्टर। टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, आज क्लास बनी हुई 40 मिनट। आज मेहरबान है अपने ऊपर, अपन जब बात कर रहे ना कि छोड़ देंगे इसको तो मेहरबान हुआ पड़ा सर। बट जैसे 5:30 मत करना क्योंकि 5 से 6 मेरी है ना केमिस्ट्री की क्लास, एक लपड़ मारे 5 से 6 तो जा हिलना नहीं वैसे। अगर रेगुलर क्लास जो रहेगा हराम तो वो भी तो ऐसे ही रहेगा ना, 4 से 5:30 ही तो रहेगा। अगर अभी लॉकडाउन नहीं होता तब का करते रहे तो
नहीं नहीं सर, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। यू रेगुलर तो सब, हाँ रेगुलर तो सब सेट है। अच्छा रेगुलर में सेटिंग है, बराबर ठीक है, नहीं तो फिर हम 3:30 से कर देंगे, कुछ तो करेंगे ना, 1.5 घंटा लगाएंगे। हाँ हाँ सर, ये सही है, एकदम सही है। देखते हैं अभी, पहले एक क्वेश्चन करो। तू तो भगने का जुगाड़ कर रहे हो, किसी का आंसर आया हो तो बता दो या हम एक्सप्लेन करते, तू लोग सुनो। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा ना, चलो हम बताते। देखो क्वेश्चन क्या, सुनो, समझे ही नहीं होगा तुम लोग क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले, हम बताएं क्या करना अपने को, ठीक है। कि ये एक बॉल है बड़ा सा, ठीक है, ये हमारे पास है एक बॉल, ठीक है, ये मेटेलिक बॉल, इसका रेडियस क्या, आर, ठीक है, ये तो मेटेलिक बॉल है, और इसके चारों तरफ स्पेस में बॉल के बाहर, ठीक है, एक चार्ज डेंसिटी भरा हुआ है विच इज अल्फा बाई आर, मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस दूर कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो आर डिस्टेंस दूर वो क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यही बताना है। इधर मीडियम भरा हुआ है, ये तो मेटेलिक बॉल है ना, अरे क्वेश्चन समझ में आ, ये मेटेलिक बॉल है और इसके बाहर चार्ज भरा हुआ, चार्ज का डेंसिटी कैसा है, अल्फा बाई आर कूलम पर मीटर क्यूब, बाहर वाले रीजन में इधर अल्फा बाई आर कूलम पर मीटर क्यूब, ये चार्ज डेंसिटी। हमें बताना है कि इस स्फीयर पे कितना चार्ज रखें कि यहाँ का जो फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो, तो क्या करते हो, मान लेते हैं कि हमने इस स्फीयर पे कितना चार्ज रख दिया, प्लस क्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम एक गॉसियन सरफेस एरिया चूज करते हैं, कितना बड़ा, इतना बड़ा, जिसका रेडियस क्या है, आर है ना, ये गॉस है ना। अब इस स्पेस में यहां पर चार्ज भरा हुआ है, इस मेटल के अंदर तो चार्ज नहीं है, मेटल के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। अब हमें यहां से लेके यहां तक इतने स्पेस में जो चार्ज है वो निकालना है कि आखिर ये चार्ज है कितना, ठीक है। तो हम यहां पर मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू एरिया 4πr² है ना, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चार्ज इनसाइड के लिए क्या करेंगे, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्यू, ये चार्ज है, प्लस इस स्फीयर में जो चार्ज है क्यू डैश, इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज है मान लेते कितना है, ये चार्ज क्यू डैश, क्यू तो हमने मान लिया कितना स्फीयर को चार्ज दिया गया, इस पे तो चार्ज स्फीयर को दिया गया, और यहां से यहां जो चार्ज है मीडियम में जो चार्ज है ये हम मान लेते क्यू डैश। अब क्यू डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि एक थिन, क्योंकि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, एक थिन सेल इस मीडियम में लेते हैं जिसका रेडियस क्या है, एक्स, इसका रेडियस है एक्स और इसका थिकनेस है डीएक्स, तो डी क्यू डैश हो जाएगा रो इंटू 4πx² dx, एरिया इंटू ऑल, इस थिन सेल जिसका थिकनेस डीएक्स है इसका चार्ज टोटल क्या हो जाएगा, 4πx² dx, और रो हमारा क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू अल्फा बाय एक्स, क्योंकि हम चार्ज डेंसिटी एक्स डिस्टेंस दूर लिख रहे हैं, ठीक है, इंटू 4πx² dx, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, एक्स इज फ्रॉम आर टू स्मॉल आर, तो देखो ये एक्स एक्स कट जाएगा, क्यूडस जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा 4π, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा ना, और आर कैपिटल आर पुट कर देते हैं, आर से कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक पुट कर देते हैं, ये सही है क्यूडस का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया 4πr² इज टोटल चार्ज इज क्यू प्लस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ लिख देते हैं E इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश मतलब 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर. देखो तो सही है, इसको काट देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 पाई अल्फा और ये सही है. अब इसको तुम और अगर आगे देखो तो E जो हो गया, E हमारा हो जाएगा कैपिटल Q, ठीक है समझ गया, प्लस 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई अल्फा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इसको लिखा जा सकता है, ठीक है समझ गए ना, इसको लिखा जा सकता है Q माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म को हमने एक साथ कर दिया और इसको अलग कर दिया 2 पाई अल्फा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2. सो E का वैल्यू जो हमारा आया, ये समझ में आ हुआ रहा है कि गहरे भैंस पानी. सो ये हो जाएगा Q माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस अल्फा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पाई पाई भी कट गया था. अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बोलता है कि स्मॉल r से क्या हो, इंडिपेंडेंट. E इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r. ये स्मॉल r से इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर ये पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो. अगर ये पूरा न्यूमरेटर का टर्म जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब q का वैल्यू हो जाएगा कितना, माइनस 2 अल्फा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और क्यू इज इक्वल टू 2 अल्फा पाई आर स्क्वायर. दिस इज द टोटल चार्ज. अगर हम इस स्क्वायर को इतना चार्ज दे दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जिंदा बचे भग गए. अरे समझ में आया बाबा? हाँ सर आ गया. नहीं हमको तो लग रहा डाउट, सबको नींद आ गया लगता है, बोले काज कर रहा पता नहीं. सर वैभव से बोले करेगा. हाँ बोलो. तो कर दे रहा हूँ मैं तो, आओ. देखो किसी को डाउट है, एक भगा, कौन भगा, वंश भगा होगा पक्का. देखो वंश भगा. चलो बोलो और कोई बोलो रे, जरा समझाओ. जिसको नहीं समझ में आया बोल दो, क्योंकि थोड़ा भारी क्वेश्चन था. क्वेश्चन देखो ये Q का वैल्यू 2 अल्फा आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर अल्फा, ये निकाले ना 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर, सही है सर? वो लास्ट में समझ नहीं आया. यहाँ तक समझ में आ गया, कहाँ तक समझ में आ रहे? इंडिपेंडेंट ऑफ आर वाला समझ नहीं आया. ये हमें E का वैल्यू देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा आएगा और ये स्मॉल आर, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्मॉल आर है ना, और अगर ये न्यूमरेटर जीरो हो जाए तो E क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. इफ ठीक है फर्स्ट टर्म बिकम जीरो, ये पूरा टर्म अगर जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ R हो जाएगा ना. हाँ सर आ गया है ना. तो इसके न्यूमरेटर में जो टर्म है ये वाला, इसको अपन क्या अज्यूम कर लें, जीरो. इसको जीरो कर देंगे तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा. देखो नहीं तो फिर से समझा देंगे, बोलो कोई जल्दीबाजी नहीं. एक बार फिर से. हाँ देखो ऋषिबा बोली. देखो क्या है क्वेश्चन, कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसके ऊपर पूछा गया कितना चार्ज रखें कि बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो पोजीशन से इंडिपेंडेंट हो, आर से इंडिपेंडेंट हो जाए. और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ स्पेस में अल्फा बाई आर कूलम पर मीटर क्यूब, ऐसा चार्ज रखा हुआ है. तो क्या करेंगे, ये मेटल है, इसके अंदर तो चार्ज हमने रखी दिया,
अब हमें देखना है कि ये स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर जो हमने लिया, ये फिगर सही बना नहीं, एक ये जो हमने स्फीयर ऐसा लिया है, ठीक है, यहाँ पर फील्ड क्या होगा ई, ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह फील्ड क्या होगा ई, यहाँ पर भी फील्ड क्या होगा ई, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज टोटल चार्ज इन साइड, सो इट इज क्यू प्लस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो वो चार्ज है जो हमने मेटल पे रखा है स्फीयर पे, और क्यू डैश वो चार्ज है जो इस रीजन में भरा हुआ है, ठीक है, इस रीजन में जो चार्ज भरा हुआ है वो है क्यू डैश। अब क्योंकि ये क्यू डैश हमें निकालना है, तो क्यू डैश निकालने के लिए चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो हमने एक पतला सा स्फेरिकल सेल लिया जिसका रेडियस कितना है एक्स और जिसका थिकनेस क्या है डीएक्स, तो डी क्यू डैश क्या हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम फोर पाई एक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स, और रो का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रो का वैल्यू होगा वो अल्फा बाई एक्स, सो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू अल्फा बाई एक्स फोर पाई एक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स एक्स कट गया रे, सो डी क्यू डैश हमारा हो गया अल्फा फोर पाई एक्स डीएक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दिए कहां से कहां तक, आर से स्मॉल आर तक, क्योंकि अपने को यहां से लेके यहां तक का चार्ज निकालना है, ठीक है, सो क्यूडस आ जाएगा अल्फा फोर पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, ये कट गया, सो इट इज टू पाई अल्फा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज क्यूडस। समझ में आया बात? हाँ सर। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमारा जो कहानी है उसके बाद का कहानी देखो, हमने लिखा था E into area 4 pi r square is total charge Q plus Q dash by epsilon naught, तो ये हो गया E is equal to Q plus Q dash by 4 pi epsilon naught r square, ये पूरा टर्म को उठा के इधर ले गया, ये हो जाएगा Q प्लस क्यूडस का वैल्यू कितना है 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हम बाइफर्केट कर देते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा q बाय q माइनस 2 पाई अल्फा r स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 पाई अल्फा स्मॉल r स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r स्क्वायर r स्क्वायर, ये कट गया, ये हमारा बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E is Q minus 2 pi alpha r square by 4 pi epsilon naught small r square plus alpha by 2 epsilon naught, ये पूरा expression बचा, but question बोलता है कि electric field क्या हो small r से independent हो, small r से independent ये तब हो सकता है ना, जब ये पूरा term क्या हो जाए, If it is independent of small r, ये पूरा टर्म क्या हो जाए, This must be zero, ठीक है, So q minus 2 pi alpha r square by 4 pi epsilon naught r square is what? Zero, it means q is equal to कितना? 2 pi alpha r square, समझा रहे? हाँ सर। ठीक है, देखो थोड़ा भारी है, अब सब क्वेश्चन आसान थोड़े रहेगा, कुछ तो भारी भी करोगे ना, चलो बोलो, ठीक है, चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना। अच्छा, गॉस लॉ मेरे तरफ से खत्म हो गया है, परसों से अपन अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे क्या, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको तुम लोग कंप्लीट करके आओगे परसों, है ना, नेक्स्ट क्लास में डाउट आउट बताएंगे गॉस लॉ का, ठीक है, एससी वर्मा पूरा 100% कर लेना, ठीक है, और पैकेज का डीसीटी 2, ठीक है, ये दो काम करके आना है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी अगले क्लास से शुरू कर देंगे, गॉस लॉ हर तरीके का क्वेश्चन तुमको बता दी, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, सेल का, प्लेट का, डिस्क का, रिंग का, सबको बता दिए,
अब तुम लोग देख लो, ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। किसी को कुछ बोलना है बोल ले, पूछना है पूछ ले, बोलो रे आगे कोई डाउट। चलो चलो बाय, अगले दिन पढ़ते हैं ना, कंप्लीट करके आओ सब। थैंक यू सर, ओके वेलकम।